सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आई हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे। मेमोरियल इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज के वार्षिकोत्सव में यहाँ पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुश्तबा सिद्दीकी विधायक प्रतापपुर इलाहाबाद, प्रतापगढ़ पट्टी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे कुंवर शक्ति सिंह साहब जो प्रतापगढ़ से आए हैं, और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि सलीम शहजादे कलीम साहब, इंटरनेशनल शायर हैं आप, आप सब लोग उनसे परिचित हैं, और एमएलसी चुनाव चल रहा है उसके प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी साहब, वीरेंद्र चौधरी साहब, और तमाम इन मुख्य अतिथियों विशिष्ट अतिथियों के साथ पधारे हुए साथी लोग, हमारे इस विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं, उनके गार्जियन और इस क्षेत्र के तमाम चित परिचित लोग जिनका नाम समय कम होने पर नहीं ले सक रहा हूं, मैं आप सबका इस मंच से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना गार्जियन और बिना बच्चों के सहयोग से विद्यालय चलाना मुश्किल होता है, लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि इस क्षेत्र के जितने हमारे गार्जियन लोग हैं, अभिभावक लोग हैं, उनके सहयोग से बढ़िया विद्यालय चलाने का काम कर रहा हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि हर दिन एक स्टेप इस स्कूल को कॉलेज को आगे बढ़ाएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ नर्सरी से, नर्सरी का कंपाउंड अलग है, ये आप जहां बैठे हुए हैं प्रोग्राम चल रहा है ये इंटर कॉलेज का कंपाउंड है, और इसके बगल में हमारा डिग्री कॉलेज है, तो हम नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरा प्रयास यह है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा और हर बच्चों को उनके जरूरत की शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ उर्दू भी है जो एक से लेके बीए तक है, फर्स्ट क्लास से लेके बीए क्लास तक है, उसके साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ चूँकि मुस्लिम बच्चों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए हमने अभी इसी साल से एक व्यवस्था किया है जिसमें एक आलिम, एक हाफिज, उनके लिए एक कमरा अलग से मैंने रखा है, वो अरबी की तालीम देते हैं, और मेरा कोशिश ये रहता है कि इन बच्चों को एक से लेकर पाँच तक इनके कुरान शरीफ को ख़त्म करा दिया जाए, पूरा कर लें, और उसके बाद जो है आलिम उसके इंटरप्रिटेशन बताते हैं, उसके मीनिंग बताते हैं। इसी के साथ साथ डिग्री कॉलेज में हमारे लैब भी सुसज्जित हैं, बढ़िया हैं, टाइल्स वगैरह लगवा दिया है मैंने इस साल, पूरी बढ़िया व्यवस्था है साइंस की भी, जिसमें बीए बीएससी चल रहा है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि हर साल हर दिन इसको किस थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ाएं, वो बिना हमारे गार्जियन के सहयोग से, बिना बच्चों के सहयोग से होना संभव नहीं है, लेकिन हमें खुशी ये है कि आप लोगों की तरफ से हमें पूरा सहयोग, यहाँ के जितने गार्जियन हैं उनका पूरा सहयोग मिलता है, और इसी के साथ साथ मैंने कमज़ोर बच्चों के लिए एक व्यवस्था अलग से की है कि जिनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, अधूरी रहती है, उनके लिए मैंने अलग से निःशुल्क कोचिंग लगाया है,
बच्चे सुबह आते हैं, कोचिंग करते हैं, उनसे कोचिंग का कोई फीस नहीं लिया जाता है। इस तरीके से मैंने कॉलेज को आगे बढ़ाने में, बच्चों का करियर बनाने में कोई गौर कसर नहीं रखते हैं, बशर्ते आपका पूरा सहयोग मिलना चाहिए। अब इसी के साथ में बहुत ज़्यादा बोलना ठीक नहीं, चूँकि प्रोग्राम आगे बढ़ाना जरूरी है, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।